सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, बच्चे को तो माँ का दूध चाहिए। ये ट्रेनिंग पे जाती है, सुबह 4 बजे उठती है, ये पुलिस की ट्रेनिंग करती है, 9 बजे आती है, इसको दूध वूध पिलाती है, नहला धुला के फिर कॉलेज में जाती है ट्रेनिंग के लिए, 1-1.5 बजे आती है, इसको भी रेस्ट चाहिए, उसके बाद फिर बच्चे को देखती है, उसके बाद 4:10 पे इसको फिर जाना पड़ता है। अभी गेम परमिशन तो इसकी अब हुई है, ट्रेनिंग भी करो गेम में परफॉर्मेंस भी दो, कितना कठिन है, फिर बच्चा भी पालना, अपनी फैमिली को भी वो रखना, ये तो अब जो ये कर रही है हमें ही पता है, बाहर वालों को थोड़ी ना पता है कि कितना टफ होता है। ना गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा कुछ नहीं मिली। प्रमोशन भी इसको सब इंस्पेक्टर का दिया गया, एक अर्जुन अवार्डी होते हुए 5-6 तो DSP हैं जिनको आज तक अर्जुन अवार्डी नहीं मिला हुआ, वो DSP हैं, ये सब इंस्पेक्टर है। ये पता नहीं हमें यही समझ में नहीं आई, ये दिक्कत है क्या, जिनका एक एक कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में पुराना मेडल है, वो भी सब इंस्पेक्टर है, एक जिसके 6 मेडल हैं अर्जुन अवार्डी है, वो भी सब इंस्पेक्टर है। तो सबसे मलाल तो हमें यही है कि कोई डिफरेंस तो देना चाहिए ना, स्टेटस ही नहीं है कुछ भी। हमने किया, काफ़ी बार ट्राई किया, जो पिछली सरकार थी, अब नई सरकार बननी है, इससे उम्मीद तो है कि भाई हमारा पक्ष सुना जाए और DSP के लिए कविता को रिकमेंडेशन किया जाए। और एक लड़की है ये बॉक्सिंग से, ये भी नहीं कोई ज़्यादा लड़कियां हैं, सिर्फ एक अर्जुन अवार्डी है, और पूरे इंडिया में ही 3 अर्जुन अवार्डी हैं, एक मैरी कॉम, एक सरिता देवी, सरिता देवी भी DSP है, तो इसको ही बनाना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट ने। मणिपुर गवर्नमेंट जब दे रही है तो हरियाणा गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, कुछ करना चाहे तो उसको सपोर्ट करो, वो कुछ ना कुछ आगे ज़रूर करेगी।